प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब पढ़े के मिशन के पतीला लगाते हुए कानपुर बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरह से ननिहाल घाक पर डाका डालने पर लगी हुई है। आपको बताते चले कि शिक्षा कानून के तहत ही सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जाने के बाद भी शास्त्री नगर CRC के उच्च प्राथमिक विद्यालय में जमुई के अध्यापक के साथ ही बच्चों के हक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ ही जमुई आए दिन बंद ही रहती है। यहां पर पढ़ने वाले ननिहाल बच्चे का भविष्य अधूरा है। आज बच्चों को खाना देने वाली संस्था की गाड़ी आई तो पुनः ये स्कूल बंद मिला, जिसके बाद ही ग्रामीण यहाँ के अध्यापक को करतूत बताते हुए स्कूल के अक्सर ही बंद रहता है, जिससे बच्चों को मायूस होकर घर जाना पड़ता है। आइए सुनते हैं पूरा बयान। गाँव है। अच्छा, आज कौन सी तारीख है? आज तारीख है 29 तारीख है। अच्छा, टाइम क्या हो रहा होगा? टाइम 12:15 बजे दोपहर। अच्छा, आज ये स्कूल बंद है आपके गाँव का जी, क्या आपको जानकारी है स्कूल क्यों बंद है? ये स्कूल हमेशा अक्सर बंद रहता है और कोई सूचना नहीं देते। जो गांव के बच्चे जो पढ़ने आते हैं वो अक्सर सुबह आके खड़े रहते हैं, इसके बाद वापस हो जाते हैं। और कई बार हमने बच्चों से कहा कि स्कूल जाइए पढ़िए, गरीब जो बच्चे यहाँ के लोग हैं निम्न स्तर के, तो उनको हम भेजते हैं तैयार करके और वो वापस अपने रूम में जाते हैं। हम पूछते हैं कि आज स्कूल क्यों नहीं गया पढ़ने, तो बोले मैडम जी आई नहीं, स्कूल बंद रहता है। क्या हमेशा बंद रहता है ये? हाँ, ये अक्सर बंद रहता है, कोई इसकी सूचना नहीं देती है कि कब ये खुलेगा कब बंद रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए